छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाकर आज पूरे प्रदेश में मंडल स्तरीय धरना प्रदर्शन कर रही है, जिसके तहत जगदलपुर में भी भाजपा ने प्रदर्शन किया और कहा है कि कांग्रेस अपनी गलती का ठीकरा केंद्र सरकार पर मढ़ रही है। क्या कांग्रेस ने किसानों से वादे करने से पहले केंद्र से अनुमति ली थी, इसलिए कांग्रेस स्वयं ही अपने वादे पूरे करे। भारतीय जनता पार्टी ने वादे पूरे न होने पर पंचायत स्तर पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। हर किसान का जो है ना 2500 में धान खरीदी करेंगे, 2 साल का बोनस देंगे, लेकिन इस वक्त देखिए 1 नवंबर को धान खरीदी होना था जिसको बढ़ा के 1 दिसंबर कर दिया गया है। कहीं ना कहीं किसानों के साथ छलावा हुआ है और जितने भी वादे उन्होंने किए थे वो सब जो है ना झूठे साबित हुए। जनता पार्टी आने वाले समय में अगर इसे सफलतापूर्वक ये इस काम को करने में सफल नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से अभी हम मंडल स्तर तक कर रहे हैं, आने वाले समय में हम पंचायत स्तर तक भी जाकर अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से किसान भाइयों की हित की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है, लड़ रही है और भविष्य में भी लड़ेगी।